यही कहना चाहेंगे जो वहाँ से आ गए अभिनंदन जी, उससे बड़ा कोई खुशी नहीं है, समझिए सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जीत आ गया। सबसे पहला बात और सबसे यूनिक बात जो कि पूरा हटके है, आज तक इतिहास में ऐसा क्विक एक्शन कोई भी सरकार नहीं लिया, कोई भी सरकार नहीं। हमारे सबसे पूज्य श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, मगर ये जो क्विक एक्शन हुआ जो बहुत ही ज्यादा और वो भी तेढ़वा पे, ओनली 60 आवर्स, 60 घंटे के अंदर उन्होंने क्विक एक्शन लिया जो आज तक नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइफ स्ट्रीम्स को। नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, इस वक्त हम खड़े हैं पटना में, और पटना में युवाओं का जोश कैसा है हम उनसे ही पूछते हैं। पटना में हैं आप इस वक्त, कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो बहुत कुछ है, और हमने विगत 4.5 सालों में हमने देखा है कि हमारे भारत के लिए जितनी हो अंतर्राष्ट्रीय से लेकर हमारे आंतरिक जो है जो जिनका काम किया है वो सब कुछ दिख रहा है। और हमारा ये आप देख ही रहे हैं कि आज संकल्प बाइक रैली निकाला जा रहा है, कल का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री हमारे सबसे प्रधानमंत्री हमारे पटना आगमन होने वाला है इस धरती पे, उनका स्वागत करने के लिए पूरे बिहार में जितने युवा हैं सब बाहें फैलाए बैठे हैं और उनका स्वागत करने के लिए युवा बाहें फैलाए बैठे हैं, ऐसा कहना है युवाओं का, और भी लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था 5 साल पहले, क्या वो वादा लगता है आपको पूरा हुआ है? 100% जितने कम समय में उन्होंने अपने काम किया उनके क्षमता के दोगुना कहते हुए। रोजगार को लेकर, विकास को लेकर अक्सर विपक्षी पार्टियां घेरती हैं, विपक्षी पार्टी ही है, विपक्षी में तो उनका काम ही है घेरना। वो डाटा देखे अपने काम काज का और इनके काम काज का, उन्हें अंतर समझ में आ जाएगा। क्या लगता है आप लोग जो युवा हैं यहाँ पर खड़े हैं सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कितना उत्साह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यदि नरेंद्र मोदी आपके पास आ जाए तो क्या कहेंगे उनसे आप? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर उस उत्साह का कारण ही क्या है कि भाई जो काम बोला उन्होंने पूरा किया, और इस काम मतलब कहा जाता है कि भाई कामदार है वो, नामदार नहीं है। अरे बोलिए ना कि इससे बड़ा खुशी कौन है, अभिनंदन जी आ गए पाकिस्तान से हुड़ के, तो और क्या चाहिए? तो नहीं नहीं तो वो क्यों आप क्या नहीं बोल रहे हैं, बोलिए इनको, ये हेड है, युवा यहाँ सामने है, सभी युवा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी? यही कहना चाहेंगे जो वहाँ से आ गए अभिनंदन जी, उससे बड़ा कोई खुशी नहीं है, समझिए सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जीत आ गया, इसका सबसे बड़ा जी दिल में जो बहुत बड़ी जीत है कि जो अभिनंदन जी पाक सीमा से भी लौट कर चले आए हैं, और इसके लिए कहिए तो मोदी मतलब सरकार बहुत लोग सबसे बड़ी जीत है कि यदि पाकिस्तान को जीत लिया तो सब जीत लिया। नहीं, बात पाकिस्तान की जीत की नहीं है, पाकिस्तान का जनता की कार्य हुआ है वही हमारी जीत है, और वो कार्य हुआ है सब हो, अगर हो सकता है तो उन्हीं के राज में हो सकता है। 1971 के जंग में एयरफोर्स का अभी तक पाकिस्तान में है, क्यों नहीं आया है? 70 साल कोई राज किया तो क्या करो, क्या लगता है आगे और उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो हम लोग हैं साथ। चलिए उम्मीदें हैं, उम्मीद है बहुत सारी, और सारे युवा भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला बात और सबसे यूनिक बात जो कि पूरा हटके है, आज तक इतिहास में ऐसा क्विक एक्शन कोई भी सरकार नहीं लिया, कोई भी सरकार नहीं। हमारे सबसे पूज्य श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, मगर ये जो क्विक एक्शन हुआ जो बहुत ही ज्यादा और वो भी तेढ़वा पे, ओनली 60 आवर्स, 60 घंटे के अंदर उन्होंने क्विक एक्शन लिया जो आज तक नहीं हुआ, ऐसा उम्मीद है आगे और उम्मीदें हैं, कुछ भी हो सकता है, मोदी सरकार है तो कुछ भी हो सकता है, कोई और सरकार नरेंद्र मोदी ले सकता है। इंदिरा गांधी के 1971 के सरकार में बहुत सारे 45,000 कैदी को अभी भी पाकिस्तान में बंदी बनाए रखे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा पर्सन है जो 60 आवर्स में क्विक एक्शन लेके हमारे सिपाही अभिनंदन को वापस ले आए हिंदुस्तान के धरती पर। क्या कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं आपको क्या उम्मीदें हैं? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि 2019 में 400+ सीटें हमें आएंगे। आप उम्मीद है 400+ आएंगे, 400+ सीटें आएंगे नरेंद्र मोदी को, ऐसी उम्मीदें हैं आने वाले समय में। और क्या कुछ युवा कहेंगे उसे भी लाइव सीरीज आपको जोड़ता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद। यही कहना चाहेंगे जो वहाँ से आ गए अभिनंदन जी, उससे बड़ा कोई खुशी नहीं है, समझिए सबसे इंडिया का सबसे बड़ा जीत आ गया। सबसे पहला बात और सबसे यूनिक बात जो कि पूरा हटके है, आज तक इतिहास में ऐसा क्विक एक्शन कोई भी सरकार नहीं लिया,
कोई भी सरकार नहीं। हमारे सबसे पूज्य श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, मगर ये जो क्विक एक्शन हुआ जो बहुत ही ज्यादा, और वो भी तेढ़वा पे, ओनली 60 आवर्स, 60 घंटे के अंदर उन्होंने क्विक एक्शन लिया जो आज तक नहीं हुआ। इसमें कोई दो मत नहीं कि 2019 में 400 प्लस सीटें हमें आएंगी। आप उम्मीद है 400 से प्लस आएंगे? 400 प्लस आएंगे।